Hello everyone, today we are going to discuss structure or layout of business letters. देखिए business letters की definition हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे letters जो business activities से related किसी दूसरे business organization, banks, government offices, railways या फिर transport companies या हमारे suppliers या अदर जो भी agencies हो सकती हैं उन्हें जो भी letters लिखे जाते हैं वो normally business letters कहलाते हैं। बिजनेस लेटर्स अपने आप में उस बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए उनका इफेक्टिव होना बहुत आवश्यक है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर, उसका लेआउट किस तरह का होना चाहिए। स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि बिजनेस लेटर्स का फिजिकल अपीयरेंस किस तरह का होना चाहिए। देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे, जैसे स्टेशनरी, कलर ऑफ द पेपर, साइज ऑफ द पेपर एंड लेटर हेड। इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड होते हैं, जिसमें एनवेलप्स, एड्रेसिंग, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं, जैसे अगर स्टेशनरी की बात करें तो अच्छी क्वालिटी का पेपर, जिसमें जैसे 16 टू 20 पाउंड तक के जो वेट्स वाले पेपर्स होते हैं जनरली वो अच्छे माने जाते हैं, तो उनका यूज़ किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ दूसरी बात ये भी आती है कि जितना अच्छी क्वालिटी का हम पेपर यूज़ करेंगे उतनी कंपनी की जो है वो कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी, तो दोनों चीज़ों में बैलेंसिंग होना बहुत आवश्यक है। कलर ऑफ द पेपर की अगर बात करें तो नॉर्मली वाइट पेपर्स इसमें यूज़ किए जाने चाहिए, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कलर्ड पेपर्स का भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक तरह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं कंज्यूमर्स के ऊपर, या उसकी पर्टिकुलर ब्रांड या उसके ट्रेडमार्क से रिलेटेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, साइज ऑफ द पेपर, इसकी स्टैंडर्ड साइज होनी चाहिए, जो लेटर पेड के दो जो नॉर्मली साइजेस रहती हैं 8x10 और या फिर 5.5x8.5। तो ये हालांकि इन चीज़ों का कोई निश्चित नियम नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कोई भी साइज़ यूज़ कर सकता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है, जैसे लेटर हेड, नॉर्मली जो भी लेटर्स लिखे जाते हैं यदि वे प्रिंटेड लेटर हेड्स पर लिखे जाते हैं तो उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। तो वो जो प्रिंटेड लेटर हेड्स होते हैं उसमें उस लेटर हेड के टॉप पर बिजनेस फर्म से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर दी जाती है, ऑलरेडी उसे छपा लिया जाता है, जिसमें फर्म का नाम, उसका नेचर ऑफ द बिजनेस, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस उसमें शामिल किया जाता है। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा इसमें उसका एनवेलप कैसा यूज़ में करना है, आपको किस तरह का कार्बन और रिबन यूज़ में लेना है, किस तरह से लेटर्स को फोल्ड करना है, किस तरह से उस पर एड्रेसिंग किया जाना चाहिए, स्टाम्प फिक्सिंग किया जाना चाहिए, ये भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो उसके फिजिकल अपीयरेंस को बढ़ाते हैं। नाउ विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस लेटर। देखिए कोई भी बिजनेस लेटर होता है उसका कोई भी यूनिफॉर्म एक स्टैंडर्ड नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसके जो पार्ट्स हैं वो नॉर्मली सेम रहते हैं। कुछ चीज़ें आवश्यकता के अनुसार बदली जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें एड ऑन होना बहुत आवश्यक है। तो आइए बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर, यानी एक बिजनेस लेटर में क्या क्या पार्ट्स, उसके क्या क्या अंग हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज हेडिंग और लेटर हेड। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक जो फर्म होती है जब अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपना जब लेटर किसी को लिखते हैं तो सबसे ऊपर उसके टॉप पर उसका हेडिंग होना चाहिए। अगर फर्म ने प्रिंटेड लेटर हेड्स बनवा रखे हैं जिनके टॉप पर उसका फर्म का नाम, उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, अगर सारी चीज़ें पहले से ही छपी हुई हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं छपी हुई है, प्लेन पेपर पर अगर लेटर लिखा जा रहा है तो हमेशा उसमें ये कुछ चीज़ें इंक्लूड की जानी चाहिए। ये क्या हो सकती हैं, नेम ऑफ द फॉर्म, नेचर ऑफ द फॉर्म, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ द फॉर्म, ताकि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, जो रिसीवर है उसे तुरंत पता चल जाए कि ये लेटर कहाँ से आया है। द नेक्स्ट वन इज डेट। डेट यानी दिनांक किस तरह से लिखी जानी चाहिए। देखिए इसके दो तरीके प्रचलन में होते हैं, अमेरिकन मेथड एंड ब्रिटिश मेथड, कोई भी तरीका यूज़ किया जा सकता है, दोनों ही बिल्कुल सही होते हैं। पहला तरीका जो है ये, जिसमें मंथ को पहले लिखा जाता है December 11, 2020 या फिर डेट को पहले लिखकर 11 December 2020, कोई भी तरीका यूज़ में लिया जा सकता है, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि डेट उसमें होना बहुत आवश्यक है,
क्योंकि एक तरह से ये एक प्रूफ का भी काम करता है कि ये लेटर किस डेट को डिस्पैच किया गया है। द नेक्स्ट वन इज रेफरेंस नंबर। देखिए जब लेटर पहली बार लिखा जाता है तो हो सकता है उसका कोई रेफरेंस नंबर ना रहे, लेकिन यदि किसी और लेटर के रिप्लाई में अगर लेटर लिखा जाता है तो उसका रेफरेंस नंबर अवश्य होता है। और इसके अलावा जो लेटर का जो रेफरेंस नंबर होता है वह तुरंत ही उस डेट के पश्चात लिखा जाना चाहिए। रेफरेंस नंबर का कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे कुछ फॉर्म्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर, जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल में दिखाया गया है एक सीरियल नंबर चालू किया गया है, एडमिन डिपार्टमेंट है उसका 131 नंबर है, 11th मंथ है एंड 2020 इसका ईयर है। तो कुछ इस तरीके से भी कोई एक मेथड यूज़ किया जा सकता है जिसमें प्रॉपर फॉर्मेट एक फर्म अपने अकॉर्डिंग उसे डिसाइड कर सकती है। और कई बार जो लेटर जैसे बाहर भेजा जाता है और उस लेटर का जिस रजिस्टर में एंट्री किया जाता है डिस्पैच नंबर जो होता है उसका, उसे भी उस पर लिख दिया जाता है ताकि उस जो लेटर पहली बार लिखा जा रहा है उसका भी एक रेफरेंस नंबर क्रिएट हो जाए। ओके, द नेक्स्ट वन इज अटेंशन लाइन। देखिए अटेंशन लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, यदि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक लेटर भेजा जाता है और यदि हमें पता है कि वो लेटर पर्टिकुलर किस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए या किस डिपार्टमेंट को दिया जाना चाहिए, तब उस कंडीशन में अटेंशन लाइन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है, काइंड अटेंशन मिस्टर राम कुमार अकाउंट्स मैनेजर, यानी हम अकाउंट डिपार्टमेंट में जो मैनेजर है मिस्टर राम कुमार उन्हें ये लेटर डायरेक्टली देना चाहते हैं, तब ऐसी दशा में हम ऊपर ही लिख देते हैं अटेंशन लाइन के रूप में। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज नेम एंड एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, यानी पाने वाले का नाम और पता। इसमें पूरी चीज़ पूरा नाम और पता होने से एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये मिलता है कि जब भी कोई लीगल एक्टिविटी होती है, लीगल अगर कार्यवाही होती है, उस दशा में संबंधित व्यक्ति की पहचान प्रमाणित की जा सकती है। ठीक है, और इसके साथ इसमें जो आदर सूचक शब्द होते हैं जैसे मिस्टर, श्रीमान, माननीय, जिस भी आप लैंग्वेज में लगाते हैं मिस्टर और मिस, ये सभी चीज़ें इसमें लिखी जानी चाहिए। इसके अलावा इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है कि यदि जो रेसिपिएंट है अगर वह हम किसी को व्यक्तिगत रूप से लिख रहे हैं तो अलग तरीके से लिखा जाना चाहिए डायरेक्टली उसका नाम लिखकर, और यदि हम किसी फर्म को लेटर लिख रहे हैं तब हम उसमें डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं मैसर्स राम एंड श्याम सन्स कोटा, इस तरह से भी हम उसे लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज सैल्यूटेशन, यानी अभिवादन। जैसे हम नॉर्मली अगर किसी से बात करते हैं तो गुड मॉर्निंग या हाय इस तरह का जो हम सैल्यूटेशन करते हैं, इसी तरह से रिटन लेटर में भी एक तरह से सैल्यूटेशन होना चाहिए। इसमें शिष्टाचारपूर्ण शब्दों को अभिवादन कहा जाता है। तो भले ही संबंधित व्यक्ति का इसमें ध्यान हो या न हो, लेकिन हमें उस लेटर को इम्प्रेसिव बनाने के लिए हमेशा सैल्यूटेशन का यूज़ करना चाहिए। सैल्यूटेशन जो है वह कई तरीके से हो सकता है, जैसे डियर सर, डियर मिस्टर जैन या रेस्पेक्टेड सर, इस तरह से हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट हेडिंग, यानी विषय शीर्षक। अभिवादन के तुरंत पश्चात सब्जेक्ट यानी विषय उसमें लिखा जाना चाहिए ताकि जो रिसीवर है उसे तुरंत समझ में आ जाए कि यह लेटर किससे रिलेटेड है, किस संदर्भ में लिखा गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे टू परचेज स्टेशनरी, यानी अगर हमने परचेज स्टेशनरी परचेज करने के लिए लेटर लिखा है तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर टू ऑर्डर मशीनरी, यदि हमने कोई मशीनरी क्रय करनी है उसका ऑर्डर देना है तो हम सब्जेक्ट में इस तरह से लिख सकते हैं टू ऑर्डर मशीनरी, और अगर उसका हमें स्पेसिफिकेशन भी पता है तो हम उसे यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज बॉडी ऑफ द लेटर, यानी पत्र का मुख्य भाग, और यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें भेजे जाने वाला मेन जो मैसेज होता है, संदेश, वह इसमें लिखा जाता है, तो इसलिए इसे बहुत सावधानीपूर्वक लिखा जाना चाहिए। इसे प्रायः तीन भागों में बांट कर समझ सकते हैं, द फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट, देन मेन पार्ट एंड द एंड, यानी उसका अंतिम भाग क्या रहेगा।
जो इसका प्रारंभिक भाग है यानी द ओपनिंग किस तरह से होती है, वह एक तरह से इसका परिचयात्मक भाग होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पढ़ने वाले के मस्तिष्क पर पड़ता है, और यदि इसका आरंभ अच्छा है तो आधी सफलता मिली समझिए। तो इसलिए इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को आकर्षित करे। एग्जाम्पल देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट का, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू मॉडल ऑफ एसी, यानी हम अगर अपना कोई नया मॉडल है उसे लॉन्च किया है, तो अगर हम उसके इन्फॉर्मेशन के लिए हमने अगर लेटर लिखा है तो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कुछ इस तरह से हो सकता है। इसके साथ जो इसका मिडिल पार्ट और जो द एंड पार्ट है वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। देखिए जब हम मिडिल पार्ट की बात करते हैं जिसमें वास्तविक संदेश लिखा जाता है तो उसे एक पैराग्राफ के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अगर हमें लगता है कि मैसेज बहुत लंबा है तो पैराग्राफ को छोटा 2 या 3 भागों में पार्ट लिया जाना चाहिए। और जो इसका द एंड पार्ट है यानी जिसको समाप्त तो जब करना है तो उसका मूल संदेश जो है, मेन जो मैसेज है, उसको शॉर्ट में पुनः रिपीट करके इसमें लिख दिया जाता है और रिसीवर को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं, ट्रस्टिंग दिस विल रीच यू इन ड्यू कोर्स, या आई होप आई विल गेट अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, कुछ इस तरह से इसमें लिखा जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी जो इसका अंतिम प्रशंसात्मक वाक्य होता है। जैसे जब हम किसी से विदा होते हैं तो नॉर्मली हम नमस्कार या बाय करते हैं, इसी तरह से इसका भी कुछ एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, कुछ इस तरह से। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, और जब हम प्रशंसात्मक वाक्य लिख चुके होते हैं तब उसके राइट साइड में अपने सिग्नेचर करने चाहिए, यानी जो लेटर लिख रहा है उसके सिग्नेचर और उसके साथ उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन क्लियरली मेंशन करना चाहिए, ताकि लेटर लिखने वाले की जिम्मेदारी तय हो जाती है कि ये लेटर किसके द्वारा लिखा गया है, और यदि आवश्यक हो तो नीचे उस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म या फर्म का नाम भी लिखा जाना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज एनक्लोजर, यानी कई बार बिजनेस लेटर्स के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए जाते हैं, जैसे चेक हो सकता है, बिल्टी या कोई पुराने लेटर्स के रेफरेंस हो सकते हैं, तो इन्हें हम इनक्लोजर के रूप में लिख सकते हैं, और यदि एक से ज़्यादा इनक्लोजर होते हैं तो उन्हें सीरियल नंबर डालकर लिखा जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज पोस्ट स्क्रिप्ट, जब कई बार पूरा लेटर लिखते समय कोई चीज़ छूट जाती है तब ऐसी दशा में उसे P.S. करके, पोस्ट स्क्रिप्ट करके उसे लिख दिया जाता है। नॉर्मली कोशिश यह करनी चाहिए कि इसे अवॉइड किया जाए, हम पहली बार में ही लेटर को पूरा लिखें। एंड द लास्ट वन इज लेटर राइटर्स इनिशियल, यानी जो टाइप लिपिक है या जो पत्र का राइटर है, लेखक है, उसके स्मॉल इनिशियल्स या हस्ताक्षर होने चाहिए। नॉर्मली ऐसा बड़े कार्यालयों में होता है जहाँ पर कई व्यक्ति पत्र लेखन का कार्य करते हैं, तो ये जिम्मेदारी तय करने के लिए कि वह लेटर किसने लिखा है, किसने टाइप किया है, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। थैंक यू।